तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिनी ब्लॉग के बारे में। मिनी ब्लॉग होता क्या है? मिनी ब्लॉग एक फुल ब्लॉग का शॉर्ट वर्जन होता है। फुल ब्लॉग का मतलब होता है आप 8 से 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक की वीडियो शूट कर पाते हो, वो भी लैंडस्केप मोड में। लेकिन अगर आप मिनी ब्लॉग शूट करते हो तो उसे आप पोर्ट्रेट मोड पर शूट करोगे और उसे 60 सेकंड के अंदर में आपको बनाना होगा, यानी 1 मिनट के अंदर आपको अपने पूरे दिन की दिनचर्या दिखानी होगी। 1 मिनट के अंदर वो आपके पूरे दिन की दिनचर्या देखते हैं तो वो लोग आपसे जुड़ जाते हैं, इसलिए आपके शॉर्ट मिनी ब्लॉग बहुत ज्यादा चलते हैं लॉन्ग के मुकाबले, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस जो होते हैं उनको पूरा का पूरा वॉच करना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट मिनी ब्लॉग के अंदर होता यह है कि वह बहुत कम समय में आपके बारे में जान पाते हैं और आपकी हर एक वीडियो देखने लगते हैं। ऐसा ही एक चैनल है सोनू ब्लॉग्स करके, उसके 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इसके व्यूज देखकर तो आप हैरान रह जाने वाले हो। इसका हर एक वीडियो मिलियन टच करता है, लाखों की तो कोई बात ही नहीं है, आपको स्क्रीन के साइड में दिख भी रहा होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट के वीडियोस दिखा देता हूं। अगर कोई इंस्टेंट वीडियो पड़ा है तो लाखों में रहेगा, वरना इसके हर एक वीडियो मिलियन में तो जाते ही जाते हैं। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, ऐसे इसके हर एक वीडियो जाते हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आज मैं अपने नई थार को और थोड़ा चमकाने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तेरी थार की कोई पहचान नहीं है, इसलिए मैंने इन भैया को बड़ा सा मेरे चैनल का नाम लिखने दिया और नाम लिखने के बाद इन्होंने मुझे ही पकड़ा दिया कि ये भैया इधर गाड़ी को साफ करके YouTube का लोगो लगा रहे थे, और फिर उन्होंने नाम भी चिपका दिया। और चिपका यहाँ पर पहला वीडियो जो जस्ट अपलोड हुआ है तो 392,000 व्यूज है, फिर दूसरा 2.2 मिलियन है, फिर तीसरा 2.2 मिलियन है, फिर 2.8 मिलियन है, यानी कि आप देख सकते हो 2 मिलियन से ऊपर क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा है। 2 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, ऐसे करके व्यूज आ रहे हैं। तो ये छोटा नंबर नहीं होता है। अगर 10 मिलियन व्यूज एक वीडियो पर आ जाते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। अगर 10 मिलियन व्यूज है तो आपके 25 से 30 हजार सब्सक्राइबर बड़ी ईजिली बढ़ जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी अगर हर एक वीडियो पर इतने ज्यादा व्यूज आने लगे तो आपकी इनकम कितनी होगी और यहां पर आप सब्सक्राइबर कितने गेन कर पाओगे। तो यहां पर ऐसी मैं बात करने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हो 2 मिलियन से भी ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं और इसके व्यूज के अनुसार तो पता लगता यह है कि इसके हर एक वीडियो से 2 से 2.5 हजार रुपए की इनकम बड़ी ईजिली हो जाती होगी, क्योंकि शॉर्ट चैनल है तो इसलिए कम अर्निंग हो रही है। अगर ये व्यूज लॉन्ग चैनल पर जा रहे होते तो सच में ये महीने के करोड़ों छाप रहा होता, करोड़ों नहीं लेकिन महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए बड़ी आराम से निकाल देता है। तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं कि आप ऐसी ब्लॉग वीडियो कैसे बना पाओगे और इसके ऊपर कैसे आप वॉइस ओवर कर पाओगे, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कमाल की वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर हम बात करते हैं कि ऐसी आप वीडियोस बनाओगे कैसे और इन्हें एडिट कैसे कर पाओगे और वॉइस ओवर कैसे करोगे। तो बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जब आप वीडियो बनाओ तो सबसे पहले जैसे सुबह उठते हो तो आप सुबह के टाइम क्या करते हो? नाश्ता करते हो और मंजन करते हो, नहाते हो, ये मेन काम होते हैं, ये हर एक बंदा करता ही करता है। तो आप सबसे पहले जैसे उठे तो आप ब्रश ले लीजिए। तो दोस्तों मैं सुबह उठकर अपना ब्रश करने जा रहा हूँ, मतलब बोलना नहीं है, बस आप ऐसे दिखा के ब्रश कर रहे हो, ठीक है। आप जब नहाने जाओ तो नहाते हुए नहीं दिखाना है, बस जाते हुए दिखा देना कि मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जैसे चाय पी रहे हो या नाश्ता कर रहे हो तो वो भी थोड़ा सा क्लिप दिखा देना, यानी कि ये 3 पॉइंट आपने रिकॉर्ड कर लिए सुबह सुबह। फिर आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो, आपको करना क्या होगा, आपको फ्रंट के कैमरे से जरूरी नहीं कि रिकॉर्ड करना हो, आप बैक का कैमरा चालू रखना, यानी कि कहीं पर कोई भी सिचुएशन अगर आपको अच्छी लगती है कि ये मेरे वीडियो के अंदर बहुत अच्छी सटीक बैठेगी तो आप फटाक से उसे कर लीजिए। यानी कि दिन के अंदर जो भी आप दिनचर्या में कर रहे हो या कोई कहीं पर कुछ हो रहा है तो फटाफट फटाफट आप रिकॉर्ड करते रहिए। आपकी क्लिप वो कम से कम 10 से 15 मिनट तक की रिकॉर्ड होगी, लेकिन उसे काट पीट करके आप जो 1 मिनट के अंदर ले पाओगे। मैं ऐसे ही करता हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक वीडियो दिखा देता हूं जो मैं यहां पर प्रेजेंट टाइम पे मैं भी मिनी ब्लॉगिंग कर रहा हूं। मेरा जो फैक्ट वाला चैनल था उस पर कुछ अच्छा इस समय रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि फैक्ट चैनल इस समय डाउन हो गए, तो उसे मैंने मिनी ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब अलवी ब्लॉग्स करके मैंने उस चैनल का नाम कर दिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक वीडियो दिखा देता हूं, फिर आगे बताता हूं कैसे आप क्या कर पाओगे। तो सबसे पहले आप मेरी एक वीडियो वॉच कर लीजिए। मैंने सुबह उठकर स्नान किया, स्नान करने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा हूं, लेकिन यहां पर तैयार होने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा हूं, लेकिन यहां पर मेरे बालों में कुछ कमी नजर आ रही है। मैंने लिया हेयर ड्रायर को और अपने बालों को संवारना शुरू कर दिया। बालों को संवारने के बाद में मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूं। मैंने डाला अपने कंडक्टर वाले बैग को और निकल पड़ता हूं अपनी शॉप के लिए, और शॉप पर जैसे ही पहुंचता हूं मुझे ये 3 लोग दिखाई पड़ते हैं।
और तीनों लोगों की डिमांड थी मुझे चाय पीनी, तो मैंने फटाक से ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद में मेरी शॉप के ऊपर ही होम डिलीवरी करने लेके आ चुके हैं चाय को। तो यहाँ पर सब लोग चाय को पीते हैं, चाय को पीने के बाद में बहुत आनंदित हो जाते हैं। फिर इसके बाद में मैं पहुँचता हूँ अपने घर को। घर को पहुँचने के बाद में मैंने अपने टेक वाले वीडियो को शूट किया। तो यहाँ पर शूट करने का तरीका आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर अपने टेक वीडियो को कैसे शूट करता हूँ। अगर आप मेरी टेक वीडियो, तो जैसा कि आपने मेरा वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर मैंने किया क्या, मैं सुबह उठता हूँ वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं कहीं जा रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ, फिर इसके बाद में मैं जो भी दिन के अंदर कर रहा हूँ वो मैं धड़ाधड़ करके रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। यानी कि आप 10-15 सेकंड तक की क्लिप बार बार रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक लेंथ में आप जो है 20-25 मिनट तक की रिकॉर्ड करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो सिचुएशन अच्छी लगती है 15-20 सेकंड के अंदर धड़ाधड़ रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद में आपको करना क्या होगा, फिर आपको एडिटिंग की मदद लेनी होगी। एडिटिंग करने के बाद में आप फिर वॉइस ओवर करने की बात आती है। जितना अच्छा आप वॉइस ओवर करोगे उतनी अच्छी आपकी वीडियो रैंक करेगी। इसके अंदर मेन मैटर करता है आपका वॉइस ओवर। जैसा कि आपने मेरा वॉइस ओवर सुना, इसके अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से वॉइस ओवर करता हूं, और जितना अच्छा वॉइस ओवर करता हूं उतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि अभी मैंने जस्ट इस बनाना शुरू किया है, इसलिए अभी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरी वीडियो वायरल हो रही है और हर एक वीडियो चल रही है, जैसे कि सोनू ब्लॉग्स की चल रही है। तो दोस्तों अब यहां पर मैं आपको लेके चलूंगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहां पर आपको बताऊंगा कैसे इस वीडियो को एडिट करना होगा और कैसे वॉइस ओवर करना होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहां पर मैंने काइनमास्टर के अंदर ओपन कर लिया, जिससे मैंने अपने वीडियो को एडिट किया था। तो वहां पर जो मैंने वीडियो आपको दिखाया था ऐसे ही एडिट किया था। तो यहां पर आप देख सकते कितने ज्यादा पार्ट में मैंने इन क्लिप को ऐड किया है, फिर इन क्लिप को ऐड करने के बाद में कैसे मैंने यूज किया है वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि मैं जो है इन वीडियोस को कैसे एडिट किया हूं, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे एडिट किया, अब यहां पर मैं एडिट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर मेन प्रोसेस पे चलते हैं। तो गाइस मैं न्यू प्रोजेक्ट पे आ चुका हूँ, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद में अब यहाँ पर करना क्या होगा, आपने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है दिन भर के अंदर वो आपको यहाँ से ले लेनी होगी, आपके कैमरे के अंदर गई होंगी, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी क्लिप यूज़ कर रखी, जैसे कि मान लीजिए ये क्लिप्स हैं, ये मैंने क्लिप्स यूज की थी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पर सारी की सारी क्लिप ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो क्लिप कहाँ पर कैसे यूज करनी वो आपको पता होगा, क्योंकि आपने दिन भर में रिकॉर्ड की होंगी, आपको पता होगा कौन सी क्लिप कहाँ पर सटीक बैठ रही, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपने दिन के अंदर रिकॉर्ड की है कि दिन के अंदर कौन सी क्लिप कहाँ पर सटीक बैठ रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने इस क्लिप को रिकॉर्ड किया तो मुझे पता है क्लिप कहाँ पर कौन सी फिट बैठ रही है, ठीक है। जैसे कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर नहाने से, तो ये तो ठीक है, ठीक है। आपको इतना वीडियो करना होगा कि एक मिनट के अंदर आ जाए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि बहुत ज्यादा होता चला, जैसे कि यहां पर मैंने कट कर दिया, आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा करके दिखाना। जैसे कि यहां पर मान लीजिए ये क्लिप है, मैंने रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा की थी, ठीक है, लेकिन मैं इसके थोड़े थोड़े पार्ट लूंगा, पूरी लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं चुटकी बजा रहा हूं, तो अपने हिसाब से जहां पर चुटकी बजा रहा हूं उतना यहां पर ट्रिम कर देना, ठीक है। आप अपने हिसाब से ट्रिम करते चले जाना, आपकी वीडियो के अंदर जो भी फालतू का पार्ट है उसे ट्रिम कर देना, फालतू का पार्ट जब हटेगा तभी आपका वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मेरा 1:39 गया है, ठीक है। मैं मान लीजिए यहाँ तक वीडियो, ये पार्ट मुझे यहाँ तक ठीक लेना है, फालतू का ट्रिम मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप जो भी फालतू का पार्ट है उसे ऐसे करके आप ट्रिम करते चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने ट्रिम कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा किया, फिर ट्रिम हो गया। ऐसे करके आपको एक मिनट तक के अंदर की वीडियो बना लेनी है। आप मेरी वीडियो मत देखना, यहाँ पर ज़्यादा लेंथ है, लेकिन आप अपने हिसाब से कट करके एक मिनट के अंदर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप इसके अंदर ट्रांजिशन कैसे डाल पाओगे, तो आपको ये बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रांजिशन डाउनलोड करने पड़ेंगे, ऊपर देख लीजिए झोपड़ी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे आपको इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लो फ्लेयर ब्लर वाला ले रखा है, तो ये जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देख लीजिए कैसे स्लाइड कर रहा है, ये देखने में बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग थोड़ी कम कर दूंगा जिससे वीडियो कटे ना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये ऐसा ट्रांजिशन दे दिया, ऐसे ट्रांजिशन आप दे दीजिए, आप वीडियो के अंदर जहाँ जहाँ पे आपने कट लगाए वहाँ वहाँ पे ऐसे ट्रांजिशन दे देना, जिससे वीडियो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है वॉइस ओवर की। अब वॉइस ओवर करना कैसे है, आप चाहें तो स्क्रिप्ट लिख लीजिए, आपको पता होगा आपने क्या रिकॉर्ड किया दिन के अंदर, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, स्टोरी बताने की जरूरत नहीं, स्टोरी आपके माइंड में होगी क्योंकि आपने अपने हाथ से रिकॉर्ड किया है, तो आपकी स्टोरी जब माइंड में होगी तो उसे आप लिख
भी सकते हो। अगर लिखना नहीं चाहते हो तो वीडियो को देख के भी वॉइस ओवर कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्ड पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये आपकी वीडियो ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कैसे रिकॉर्ड करना होगा। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे आप बोल सकते हो, थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड करना, ऐसे नहीं कि पूरा एक बार में रिकॉर्ड कर दिया। जब एक बार में आप रिकॉर्ड करोगे बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनेगी। मैं अगर एक बार में रिकॉर्ड करूँ तो अच्छी बन सकती है क्योंकि मैं बराबर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मेरी आदत हो चुकी है। लेकिन आपकी आदत नहीं है तो आप थोड़े थोड़े पार्ट में रिकॉर्ड करो। जब थोड़े थोड़े पार्ट में रिकॉर्ड करोगे तो आपकी वॉइस ओवर बहुत अच्छी होगी, आपकी वॉइस ओवर फंसेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर रिकॉर्ड करने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने स्टोरी चल रही है, मैं आपको स्टोरी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सुबह उठकर नहा लेता हूँ, ठीक है। नहाने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिख रहा हूँ, फिर कपड़े बदलने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पर स्टोरी टेलिंग ऐसे ऐसे करना होगा, यानी कि आप जो भी दिखा रहे हो वो आप बोलते चले जाओ, ठीक है। रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके बोलना है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है, ठीक है। आप लेकिन रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर पाओगे, ऐसे ही वॉइस ओवर कर पाओगे। मैंने वहाँ पर वॉइस ओवर करके आपको दिखाई दिया। तो इस टाइप से आप जो वॉइस ओवर कर पाओगे, वॉइस ओवर करने का तरीका बस ये है कि आप जो छोटे छोटे पार्ट में रिकॉर्ड करो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसे रोक देना, ठीक। यहाँ पर रख के फिर मैंने थोड़ा पार्ट यहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया, फिर रोक के फिर मैंने यहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि 20-20 सेकेंड तक का आप गैप लेके रिकॉर्ड करोगे तो आपकी वॉइस बहुत अच्छी होगी और बहुत एक नंबर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से दोगे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक का मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम पर आ जाना, मैं वहाँ टेलीग्राम पर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करा दूंगा जो मिनी ब्लॉग में यूज होते हैं, और बहुत अच्छे से अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह बात होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके अंदर कलर ग्रेडिंग कैसे करोगे। आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना। फिर आपको ऊपर झोपड़ी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो एचडीआर का। ऑटो एचडीआर को डाउनलोड कर लेना होगा क्योंकि ये पहले से आपके में फीचर्स नहीं होंगे, इन्हें आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इस पर सिंपल से टैप कर देना, ऑटो एचडीआर पर क्लिक कर देना, ठीक है। आपका ये देख लीजिए ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल आपको पूरे में कर देना होगा। ये जितने में करोगे उतना का कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, यानी कि कलर ग्रेडिंग कितनी तगड़ी हो चुकी। तो इस लाइन को पकड़ के आप जो पूरे में कर देना, जब पूरे में कर दोगे तो कलर ग्रेडिंग आपके पूरे वीडियो में हो जाएगी। ऐसे करके आपकी कलर ग्रेडिंग भी हो गई, यानी कि ब्लॉग देख लीजिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है। आप ऐसे कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने की बात आती है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दिया कि मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आपको म्यूजिक के ऑप्शन पर जाना होगा, आपका जहाँ पर भी डाउनलोड होकर आ जाए आपको सिंपल सा उस पर क्लिक करना होगा, ऐसे टैप कर देना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना, ठीक है। आपका ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा, आपका पूरा लेंथ होगा, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपको सिंपल सा बैकग्राउंड म्यूजिक पर क्लिक करना होगा, मिक्सर पर क्लिक कर देना होगा। इसका साउंड आपको मात्र 15 पे रखना होगा, क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी आवाज़ से कम होना चाहिए, वरना आपका बैकग्राउंड म्यूजिक देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक का आवाज़ 14-15 रखना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने रख दिया, अब आपका ब्लॉग बनके तैयार हो चुका। आप जो सिंपल सा इसे रेंडर कर लीजिए, आप अपने YouTube चैनल पर इसे पोस्ट कीजिए, और आप एक Instagram का पेज भी बना लीजिए, यानी कि अपना अकाउंट बना लीजिए, वहाँ पर भी इन्हें पोस्ट कीजिए, क्योंकि Instagram पे भी इससे रीच मिलती है। चाहे जहाँ आपका अगर Instagram पे वीडियो वायरल हो रहा है तब भी फ़ायदा है, अगर YouTube पे वायरल हो रहा है तब भी फ़ायदा है। आपकी ऑडियंस सेम हो जाएगी, आप इसकी ऑडियंस उस पर ले जा सकते हो, उसकी ऑडियंस इस पर ले जा सकते हो, यानी कि आप Instagram या YouTube कहीं पर भी फेमस हो जाओ आपका बेनिफिट होना ही होना है, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू बढ़ रही है, आप कहीं पर भी इसकी ऑडियंस को लेके जा सकते हो। और इसके अर्निंग तो आप पूछिए मत, बहुत अच्छी है अर्निंग, आप महीने के 2-2.5 लाख रुपए बड़ी आराम से कमा पाओगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।